नमस्कार दोस्तों, 2021 के अंदर पंजाब स्टेट के अंदर बीएमएस कोर्स के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है। कैटेगरी वाइज बात करेंगे, जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी की बात करें तो बात करें जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके मार्क्स 500 प्लस मार्क्स हैं तो उनको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी, बीएमएस कोर्स के लिए ईजिली अलॉट हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके मार्क्स 490 प्लस मार्क्स हैं तो उनको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगा बीएमएस कोर्स के लिए पंजाब स्टेट के अंदर। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके मार्क्स 490 प्लस हैं तो उनको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगा बीएमएस कोर्स के लिए पंजाब स्टेट के अंदर। फिर बात करते हैं अपन एससी एसटी कैटेगरी की। बात करें एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके मार्क्स 340 प्लस मार्क्स हैं तो उनको गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगा बीएमएस कोर्स के लिए पंजाब स्टेट से। ठीक है, फिर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके मार्क्स 300 प्लस मार्क्स हैं तो उनको पंजाब स्टेट के अंदर बीएमएस कोर्स के लिए गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगा। ठीक है, ये बात करिए अपन ने बीएमएस कोर्स के लिए पंजाब स्टेट की। ठीक है, और भी स्टेट्स की और दूसरे कोर्सेज की बात करेंगे तो कट ऑफ और काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो डिस्क्रिप्शन में मेरे जो इंस्टा हैंडल्स हैं उन पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।